हमें संग रहना है जापान पानी बहुत लंबी है और मेरे पास वक्त बहुत बहुत कम है। मेरी नादा बातों को सुनती है तू ही, राहों के ये कांटे भी चुनती है तू ही। करण जोहर प्रोड्यूसर। बच्चन नहीं बनना है, बच के निकलना है। कुछ नहीं, तेरी सब दुआओं का हासिल हूँ ना मैं, मेरे सारे ख्वाबों की गिनती है तू ही। तू मेरा चांद है, तू ही रहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। आँखों में नींद ना, मन में चैन ना, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी संग रहना है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है। तो गाइस मूवी तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रही है। इसमें दो भाई बहनों का प्यार और उसी रिश्ते को लेके कुछ ऐसा सीन है जिसकी वजह से इतना सैड ट्यून उन्होंने करा हुआ है मूवी। मुझे आर्यभट्ट बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, तो मैं वो मूवी मिस नहीं करने वाली हूँ। सस्पेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। 11 अक्टूबर को मूवी आ रही है और आपको एक तरीके से इमोशनल कर देगी मूवी, आप एक तरीके से खो जाओगे मूवी में। गूज बम्स आ गए थे और लिरिक्स भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और टचिंग था। और गाइस यहाँ पे स्टोरी में यही देखने को मिलता है कि उसका भाई दूसरे स्टेट में आता है और वो उसकी बड़ी सिस्टर उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है और उसके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया होता है और इल्ज़ाम की वजह से उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन वो किस तरीके से अपने भाई को बचाती है और कैसे उसे वापस अपने देश में लेके आती है, सारी स्टोरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही कनेक्टिंग लगेगी, आप एक तरीके से खो जाएंगे स्टोरी में। बहुत दिनों बाद आलिया भट्ट की स्टोरी भी देखने को मिल रही है, मैं तो डेफिनेटली ये मूवी मिस बिल्कुल नहीं करने वाला, बहुत मजा आया। कमेंट बॉक्स में बताएं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।